नंदितेश निलय कहानियां सुनाता हूं। कहानियां जीवन मूल्य और नीति की, कहानियां खुशी की और कहानियां एक अच्छा इंसान बनने की। आप सभी को नमस्ते। खुश रहिए कहानियों की श्रृंखला में मैं एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। इस कहानी का शीर्षक है यस। जी हाँ, कहानी ये है कि दो दोस्त हैं, दोनों बच्चियाँ और दोनों एक दूसरे के साथ बचपन से बहुत खेलती कूदती हैं, गाँव में एक ही जगह रहती हैं। पर पता नहीं ऐसा क्या होता है कि उनके माता पिता आपस में बातचीत बंद कर देते हैं, शायद मजहब, शायद धर्म, शायद जाति या कोई और बात रही होगी। दोनों दोस्त हमेशा उदास रहती हैं और उस दिन एक दोस्त खेल रही थी, खेलते खेलते एक तितली आती है और तितली उसके दोस्त से कहती है, सुनो उस बागीचे में आ जाना। उस बागीचे में जैसे ही पहुंचोगी और गांव को भी कह देना कि सारे लोग आ जाएं, क्योंकि भगवान कुछ घोषणा करने वाले हैं। वो बच्ची परेशान हो जाती है, बोली भगवान कहाँ से आ जाएंगे? बोली नहीं, भगवान आएंगे, आप सबको बोल देना, अपने मदर फादर को भी बोल देना, अपने माता पिता को भी बोल देना। उस तितली ने कहा, दोनों दोस्त अपने अपने माता पिता को बोलने चली गई कि हमें बागीचे में पहुंचना है, सारे गांव को इकट्ठा होना है, भगवान आने वाले हैं। तब तक तितली फिर आती है और कहती है, भगवान से जो भी मांगना हो मांग लेना, क्योंकि सभी की मुराद पूरी होने वाली है। दोनों दोस्त दौड़ती हैं उस बागीचे की ओर, उनके माता पिता भी दौड़ते हैं और पूरा गांव मानो इकट्ठा हो जाता है। तब तक एक आवाज़ आती है और आवाज़ ये आती है कि जब ऊपर आपको यस की आवाज़ आए तो समझ लीजिएगा कि भगवान कह रहे हैं कि मांग लो और आप लोग अपने अपने मन में मांग लीजिएगा। जैसे ही आवाज़ यस की आती है, पूरा गांव मानो कुछ मांगने लग जाता है। उनके माता पिता कहते हैं कि बेटा तुम लोग भी मांगो, तुम लोग भी मांगो। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखती हैं, समझ ही नहीं पाती वो क्या बोले, वो कुछ नहीं बोल पाती। लेकिन अचानक उनमें से एक दोस्त आंख बंद करती है और कुछ कहती है। तितली आती है और तितली दौड़ के आती है और कहती है, क्योंकि जब तितली उड़ती है तो मानो तितली दौड़ती है, और तितली पूछती है, तुमने मांगा? तो उसने कहा, पता नहीं, मैं तो नर्वस हो गई थी। अरे तुमने नहीं मांगा, भगवान आए और चले भी गए, अब तो बहुत गड़बड़ हो गया। तुम्हें तो मैंने कहा था कि जैसे ही यस की आवाज़ आए, जैसे ही तुम यस सुनो, बस तुम बोल देना। उसने तितली से कहा, ओ तितली, जब तुम इतना सब कुछ जानती हो तो तुम ही बोलो ना यस, मैं बोल देती हूँ। तितली यस कहती है कानों में और वो कहती है कि मेरे माता पिता और मेरे दोस्त के माता पिता में बनती नहीं है, पता नहीं क्यों वो इंसानियत के भाव से दूर जा रहे हैं, उन दोनों को फिर से इंसान बना दो तितली। तितली इधर से उधर दौड़ती है, उड़ती है, भागती है और तितली दोनों दोस्तों के कान में जाके कहती है यस। जी हाँ, हमारे और आपके जीवन में ये यस रहे, हम सिर्फ और सिर्फ इंसान रहे, आप भी बने, मैं भी बनूँ, और हम जितने अच्छे इंसान बनेंगे हम अपने आसपास एक खुशनुमा समाज भी खड़ा करेंगे। आप भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे और हमारा समाज, हमारा देश भी खुश रहेगा। इंतज़ार करिए, एक नई कहानी के साथ मैं फिर मिलूँगा। तब तक आप बहुत खुश रहिए और परिवार में खुशियां बांटिए भी। जय हिंद, जय भारत।